आमिर खान जो चंद सालों से हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर है, पहले उनके एक बयान को लेकर तनकीद की गई, फिर उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट किया गया और अब बैंक के इश्तहार की वजह से ऑनलाइन तनकीद की जद में है। भारतीय हदायतकार ने इश्तहार की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की और भारत के निजी बैंक को समाजी तहरीक के जरिए मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने पर बेवकूफ तक कह दिया। इश्तहार के आगाज में आमिर खान और कियारा एडवानी कार की पिछली नशिस्त पर शादी के लिबास में बैठे हैं। अदाकार कहते हैं कि पहली शादी है जिसमें दुल्हन अपनी शादी पर नहीं रोई। इस पर अदाकारा कहती है, तुम भी तो नहीं रोए। इसके बाद घर में जोड़े के दाखिले का सीन आता है। इस मौका पर आमिर खान अपनी दुल्हन से पूछते हैं, घर में पहला कदम कौन रखेगा। उस पर कियारा कहती है कि इस घर में पहली बार कौन आ रहा है। आमिर खान घर दामाद होने की वजह से कदम रखते हैं। इस पर उनकी सासू ने खुश आमदीद कहती है तो बीवी इतना बड़ा कदम उठाने पर शुक्रिया अदा करती है। उन्हें अगले सीन में अपने अपाहिज ससुर के साथ गपशप लगाते दिखाया गया है। इस दौरान आमिर खान कहते हैं कि सदियों से जो रिवायत चल रही होती है वही चलती रहती है, ऐसा क्यों। अगले मंजर में आमिर खान और कियारा एडवानी बैंक में मौजूद हैं। यहां अदाकार कहते हैं, इसीलिए तो हम सवाल उठाते हैं बैंकिंग की रवायात पर ताकि आपको मिले बेस्ट सर्विस। विवेक अग्निहोत्री ने इस इश्तहार की वीडियो शेयर की और समाजी राबते की वेबसाइट पर सवाल उठाया कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि बैंक कब से समाजी और मजहबी रवायात बदलने के जिम्मेदार बन गए। उन्होंने बैंक को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में इन्हें ये तहरीक करप्ट बैंकिंग सिस्टम में तब्दीली पर देना चाहिए। भारतीय हदायतकार ने इश्तहार पर ऑनलाइन हो रही तनकीद का दफा करते हुए कहा कि जब आप हिंदुओं की रवायत को गलत नासर में दिखाएंगे तो ट्रोलिंग होगी। सोशल मीडिया पर कई भारतीयों ने बतौर एहतजाज बैंक से अपना अकाउंट खत्म करने का ऐलान किया। इस हवाले से फिलहाल बैंक या अदाकार की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया।